पीएम मोदी ने पार्टी को हार के इस झटके से उबारने के लिए गांधीनगर में नया मंत्र दिया। उन्होंने उपचुनाव का जिक्र किए बिना अपना संदेश पार्टी के हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश की। मोदी पीएम बनने के बाद आज पहली बार गांधीनगर पहुंचे थे। समग्र देश का कार्यकर्ताओं अखंड एक निश्चित अने एनु आप परिणाम थे कि आज देश में पूर्ण बहुमतनी स्थिर सरकार। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात के पहले दौरे पर लोकसभा चुनाव के नतीजे की बार बार चर्चा की, लेकिन उपचुनाव के ताजा नतीजों का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन उन्होंने इशारों में पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होने का संकेत जरूर दिया। मोदी ने कहा कि 1984 में जब पार्टी के दो सांसद थे तो कोई नहीं सोच सकता था कि एक दिन पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी, लेकिन पार्टी शून्य से शिखर तक पहुँचने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है, ये विशेषता है एनी संगठननी शक्ति, एना कार्यकर्ताओं परिश्रम, एना कार्यकर्ताओं निष्ठा। नहीं तो कोई कल्पना करी सके 1984 માં જે પાર્ટીના બે એમપી બચ્યા હોય એ પાર્ટી આટલા ટૂંકા ગાળામાં પૂર્ણ બહુમત સાથે સત્તા પર વિરાજમાન થાય। મોદી ને પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ સે કહા કે અબ આપ વિકાસ કા મંત્ર ઘર ઘર પહોંચાએ, લોગોં કા દિલ જીતને કા यही एक रास्ता है और राजनीति का यही मकसद भी होना चाहिए। अरविंद शर्मा, गांधीनगर, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में कहा कि भले ही वो दिल्ली चले गए हों, लेकिन उनका दिल गुजरात में ही बसता है। इसीलिए उन्होंने उपचुनाव की हार पर सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन परिश्रम का गुरु मंत्र देने से नहीं चूके।